मां गुजारिश कंदो साई मसूद नूरानी साहब, मसूद नूरानी साहब साई ता अचो चेयर ते साई मां गुजारिश कंदो असा जो अब्दुल वहाब बलोच साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ए असा जो वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल वहाब बलोच साहब के तो स्टे ते अचन। उनखा पो असाजे दोस्त साथी ए बी लाशारी साहब सीनियर एडवोकेट ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के गुजारिश आ तो स्टेज ते अचन। असाजे मेहमान साईं लाल जरवार साहब प्रेसिडेंट अवामी तहरीक उनके गुजारिश आए तो स्टेज ते अचन। लाल जरवार साहब मां साईं असांजे साथी दोस्त आजिज जमाली साहब के गुजारिश कंदुसि त हू स्टेज ते अचनि। आजिज जमाली साहब असांजो प्यारो दोस्त आहे, इहे प्रोग्राम सजाइण में साईं जे वॾो हथु आहे ऐं वॾो साथ असांखे ॾिनो आहे। जमाली साहब साईं मंज़ूर खोसो साहब खे गुज़ारिश आहे त हू स्टेज ते अचनि। मां साईं असांजे जॉइंट सेक्रेटरी टिफ जे मोहम्मद शोहेब बिकिक साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त उहो स्टेज ते अचनि। साईं राइटर बि आहे ऐं तमामु एक्टिव आहे, असांजी टीम जो मेंबर आहे। मां हाणे माइक पंहिंजे दोस्त असांजे एग्जीक्यूटिव कमेटी जा मेंबर आहिनि मुनीर अहमद रामे जे साहब जे हवाले कयां थो त हू तरतीब सां जेके बि असांजा रेस्पेक्टेबल स्पीकर्स आहिनि कार्रवाई शुरू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलम जो धणी कादुर पंहिंजे कुदरत सी क़ाइमु आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहु राज़िक़ रब रहीम सो सारा ही सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान जी। साईं साईं एजाज साहब के अर्ज़ आहे साईं स्टेज ते अचनि। साईं एजाज कुरेश साहब अचो साईं अचो 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 प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए मैं जनाब असलम बलोच साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और तिलावत कलाम पाक करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक अल्लाहु लज़ीम आमीन। मेहरबानी। अलस्त बिरबिकुम अलस्त बिरबिकुम जॾहिं कन पयोम कालू भला कलबसी तॾहिं चयोम तंहिं वेर कयोम वचन वेड़ी चंदसी। अब मैं गुज़ारिश करूँगा द इंटेलेक्चुअल फोरम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सहाफ़ी जनाब अली मोहम्मद मेमन साहब को कि वो आएँ और अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब अली मोहम्मद मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेहरबानी रामेजो साहब। फोरम जो सदर साईं मसूद नूरानी साहब ऐं असांजा स्टेज ते वेठल समूरा मोसिस साईं ऐं साम्हूं वेठल असांजा सभु साथी दोस्तो अस्सलामु अलैकुम। असांजे फोरम जे हवाले सां अॼोको ही प्रोग्राम अॼु जी जेका सियासी ऐं समाजी इन्वायरमेंट आहे बहस आहिनि मुबाइसा आहिनि जंहिंमें ख़ासि तौर ते सूबाई ख़ुदि मुख़्तारी इहो असांजो अॼु जो वॾो मौज़ू आहे जंहिं ते मुख़्तलिफ़ हवालनि सां मुख़्तलिफ़ तनज़ीमूं सियासी जमातूं फोरम्स ॻाल्हाईंदा रहनि था ऐं शयूं उथारींदा रहनि था बहस थींदा रहनि था त आख़िर पाकिस्तान असांजो वफ़ाक जी सूरत में कामयाबी सां कीअं हली सघे थो सूबनि खे ख़ुदि मुख़्तारी कीअं मिली सघे थी। असां ॾिसूं था 1973 जो आईन
इन वक्त जो पाकिस्तान उन्हें ते हली रो है अरड़ी तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी जो कुछ सिलसिलो उन्हें मज विधो वो वफाकी खाता सूबन के मिलया पर अस दिठोसी इन प्रैक्टिस प्रैक्टिकली अमली तौर ते सूबन के इम्प्लॉई तो मिली वह जिम्मेदार मिली व्यू पर उ फंड्स उन खातन जहाँ उ ट्रांसफर न थे पर उन ज्यादती जहाँ अक्सर थी थी रहे नंढन सूबन से खास तौर पर सिंध सूबे से तो इन सा हर वक्त ज्यादती मुख्तलिफ़ तरीक़न से इनको सह मुझाण हक खसण कौम जहाँ है उनके अकलियत में तब्दील करण के लिए घनी कार्रवाई थी थी रहन जैमें अस मिसाल दई सकूं था गुजरियल हुकूमत जहाँ आंदी वही कप्तान खान साहब वाली उन्हें में अरड़ी तरमीम जहाँ सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से शिकू उन में शामिल कई व्यू सूबाई खुद मुख्तारी के इम्प्लीमेंट कर कोशिश कई वही हुई गुजरियल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत इन यूसुफ रजा गिलानी वजीर अजम हु आसिफ जरदारी साहब सदर अरड़ी तरमीम उन्हें दौर की है जैसे वापस कर कोशिश कई वही केतरा ही सूबाई खाता जो वफाक का सूबन के मिलया हुआ उ वापस कर कोशिश कई वही घना वापस कया हुआ मुख्तलिफ नाल में हाँ उन्हें जी तफसील असा मुकर्र मुख्तलिफ हवाले से अस तक आगाह जरूर कंदा आऊँ सिर्फ इन में गुजारिश यह रखुस सूबाई खुद मुख्तारी की जरूरत जहाँ वह बुनियादी तौर पर 1940 की जगह पाकिस्तान ठहण के हवाले से करारदाद है उन 14 अगस्त 1947 में जैसे पाकिस्तान ठहे तो कायदे अजम मोहम्मद अली जिनाह जो सूबन से रियासतुन से ठा कया मुआहिदा कया जैसे नतीजे में ही पाकिस्तान ठो बदकिस्मती या थे थी तो समूरा अख्तियार बाबा कौम के तो उन टाइम से मौजूद हुआ उन्हें तो कम थी रो तो वो वफाकी ढांचो ठहे पार्लियामेंट वजूद में अचे आइन ठहे ती वफाक तरतीब दई सकजे पर सिर्फ 1.5 साल के अरसे में कायदे अजम मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान जो इंतकाल थी वजन का तवा के खबर आए तो इन मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट उन मुल्क से कब्जो कर वरतो समूरा हक वास्ता जो हुआ उसे हथ में रखा इन मुल्क के वफाकी बजाय मरकजी मुमलकत ठाण के लिए पूरा जोर लगा जैसे नतीजे में 1 यूनिट भी ठो उन नतीजे में पाकिस्तान ब टुकड़ा भी थी वो पो 1 यूनिट जैसे वापस थो तो 1 यूनिट वाली शख्सियतू जिन जदोजहद कई उ सामू स्टेज मौजूद आज बड़ गाल चाहिए जाय वुस त जैसे 1 यूनिट खत्म थो तो सिंध जो कुछ हिस्सों बलूचिस्तान के दिनों वो कुछ पंजाब में शामिल कर छो तो ये अड़ा वाक्य है तो हाँ अस यो चाहिंदी जो आखिरी गाल सेमिनार के हवाले से पाकिस्तान पे असल वफाक की शक्ल में आंदो वे ही सराइकी सूबो जो जो कानूनी तरीके से पंजाब की असेंबली में बिल पास थियल है सेनेट में पास थियल है इन वक्त कौमी असेंबली में मौजूद है उन्हें जो हक है 4 से 5 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है वो सूबो उन्हें जो हक उनके मिलन खपे 5 सूबन जो वफाक ठाया वाले जी सेनेट में 4 ही सूबा बराबर हैं ती हाँ 5 ही सूबा कौमी असेंबली में भी बराबर की हैसियत में उनके सीटू दई आंदो वे तो ये रजाकारा मजबूत वफाक थी सके तो जी वफाक मजबूत पाकिस्तान थी सके तवाजी मेहरबानी नवाज़ जी।